नमस्कार साथियों, आपकी चौथी क्लास शुरू हो चुकी है, यानी कि कंपटीशन का अनुपात समानुपात का चौथा भाग। ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना। टेट, आरआरबी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए विशेष क्लास। साथियों, कुछ ऐसा जादू यहाँ पर हम आपको देंगे जिससे आप पल भर में सवाल को सॉल्व कर लें। कैसे, देखिए, ए बी, बी सी और सी डी का अनुपात पूछा जाएगा सभी का एक में मिला के, जिसमें ए बी दिया है, बी सी दिया है और सी डी दिया है, तो ए बी सी डी का अनुपात बताइए। बहुत आसान होता है अगर समझ जाएंगे तो, ट्रिक बहुत ही बेहतर ट्रिक है। पहले जो भी दिया गया है अनुपात उसको लिख लो। ए बी दिया है 3:4, इसी के नीचे लिखना। बी सी 8:9 दिया है, आप बी और सी के नीचे 8:9 लिखना। बी के नीचे 8, अनुपात के नीचे अनुपात और सी के नीचे 9, एकदम सीरियल में। सी और डी 12:13 दिया है, सी के नीचे लिखना 12 और अनुपात के नीचे अनुपात और डी के नीचे 13। ये अगर तरीका बना के लिखोगे तो ट्रिक इसमें लग जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, गारंटी होगी समझाने की। पहला रूट ये चलेगा 3 से लेकर के ये 8 और 12 से होते हुए, तो 3 × 8 × 12 हो गया, अनुपात का चिन्ह लगाओगे। दूसरा रूट ये चलेगा 4 से होते हुए 8 में आएगा और 8 से ये 12 में आ जाएगा, यानी कि 4 × 8 × 12। इतना समझ में आई, अनुपात का चिन्ह लगाते जाओ। तीसरा रूट क्या होगा? तीसरा रूट साथियों, ये 4 से आपका कहाँ जाएगा पता है? देखो, यहाँ से हमने कहा कि यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ जाएगा, 4 से 9 में जाएगा और 9 से 12 में आ जाएगा। तो ये 4 का हो जाएगा 9 में, 9 का हो जाएगा 12 में। चौथा और अंतिम रूट क्या होगा? 4 का 9 में तो गया है, 9 का 12 में ना आके ये चौथा पर 13 में जाएगा और ये 4 × 9 × 13। ठीक ना, बात समझ में आई? बहुत ध्यान से समझना, कन्फर्म है कि आपको आ जाएगा। देखिए, अब इनका गुणा कर लेंगे यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई गिनती सभी में कॉमन है तो आप काट सकते हो, इससे छोटा हो जाएगा। अगर आप देखें, 3 है इसमें भी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 कट सकता है। इसके अलावा 4 से भी ये सभी कट सकते हैं। देखो, यहाँ पे हम 4 काट सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 4 काट सकते हैं। इस तरह से अनुपात में आप समान गिनती को काट सकते हो, यहाँ से भी 4 काट सकते हो, लेकिन यहाँ से 4 काट के इसको 8 को 2 लिख देंगे। इतना बात समझ में आई ना? ना समझ में आएगा तुरंत बता देना। अब ज़्यादा ये इसी में खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए हम दूसरी जगह लिख देते हैं फिर काटेंगे, नहीं तो आप इसी में काट सकते हो अभी और भी। अब क्या बचा? 3 × 2 × 12। इसके बाद इसको आप कहीं भी हल कर लेंगे दूसरी जगह, ठीक है? कैलकुलेशन आपको आना चाहिए भाई, अगर कैलकुलेशन नहीं आता तो आप जीरो लेवल की मैथ को ज्वाइन करिए। यहाँ पे देखिए, 1 आया था 8 और 12, 1 × 8 × 12 और फिर अनुपात। यहाँ पे देखो, 1 आया है 9 और 12, 1 × 9 × 12 और फिर अनुपात, 1, 9 और 13, 1, 9 और 13। अब यहाँ भी ये कट जाएगा, अगर हमें काटना होता तो हम यही काट देते पूरा पूरा, लेकिन आप समझ ना पाते क्योंकि उसी में सब घोल मिल जाता है ना। चलिए, आप ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? अभी फिर कटेगा ये, देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी है, उसमें भी है। अब कुछ लोग कहेंगे सब में कहाँ है, चूँकि 3 से 12 तो कट रहा है ना, 3 से 3 भी कट रहा है, इसमें 3 से देखो 12 कट रहा है ना, मतलब 3 है इसमें, जाहिर सी बात है, जहाँ 12 लिखा है इसका मतलब वहाँ 3 है, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब 3 है ना 12 में, है ना, तो इसका ये मतलब है। इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी है, काट दीजिए फिर। 3 से कट गया, 1 आ गया, इसको 3 से काट दो, 4 आ गया, इसको 3 से काट दो, चलो ये भी 4 आ गया, इसको 3 से काट दो, 3 आ गया। अब अगर आप गौर करिए तो सम संख्याएँ कट सकती हैं, लेकिन सभी में सम संख्याएं है ही नहीं, अपना कटेगा कभी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 12 बचा है, जो कि दोनों सम संख्या है, और लास्ट वाले में देखो दोनों विषम संख्या है, तो कटने का मतलब ये है कि सभी में से कटना चाहिए, चारों में से। ये नहीं इसमें कट रहा, इसमें कट रहा, इसमें कट रहा, काट दो उसको, छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। सभी का बराबर यहाँ पर सम्मान और हक दिया जाता है, तभी सही माना जाता है। तो जो बचा उसको लिख दो, 1, ये 2 × 12, मतलब 12 था ना पहले। हल करना तरीका बता रहे हैं इसलिए लंबा हो सकता है, लेकिन सीख जाओगे तो बहुत लंबा ना होगा।
अब ये वन इंटू, देखिए आठ को ऐसे लिख देंगे और ये फोर को ऐसे, अनुपात वन इंटू नाइन इंटू फोर और फिर अनुपात, मतलब समझ रहे हो ना, वन थ्री, ये देखो थ्री आया और थर्टीन, तो ये गुणा कर लीजिए, फाइनल में आपका आंसर आ चुका है 12 × 2 = 24 अनुपात है 8 × 4 = 32 अनुपात ये 4 × 9 = 36 और ये 33 × 39। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया 24, 32, 36 और 39। छाप लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही प्यार से देखना और ध्यान से देखना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपकी ट्रिकी मैथ को वरीयता मिल सके उसे और वो क्लास डेली हो सके। देखिए साथियों, कठिन सवाल तो आपने कर लिया, आसान वाला भी तो कर लोगे ना आप। कह रहा कि यदि ए बी दिया है और बी सी दिया है, सी डी दिया है, तो ए डी कैसे बताएंगे? ये तो बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद को पूर्व पद में गुणा करते हैं, अंतिम पद को अंतिम पद में गुणा करते हैं और यही उत्तर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाएं तो ए बी देखो 3-2 दिया है, बी सी की बात करें तो 1-7 दिया है, और अगर ए सी की बात करें वो सॉरी सी डी की, तो 5-3 दिया है। इसमें क्या करेंगे, पूर्व पद का पूर्व पद में, मतलब पहले वाले का सभी का पहले में गुणा कर लो, अंतिम वाले का अंतिम में। चलिए ये उत्तर हो गया। 3 × 1 = 3 और 5 में कर देंगे, हो जाएगा 15 अनुपाते 2 × 7 = 14 और 3 इसमें कर देंगे तो 42। बस यही उत्तर हो गया। कितना आसान था ना, ये सवाल को देख करके आंसर बता लोगे चुटकियों में। एक क्वेश्चन मैं इसी में दे दूं तो कमेंट करके बताना। तीसरा नंबर लिख लो इसको, इसको 1 बना लीजिए, इसको 4 बना लीजिए और इसको आप 8 बना लीजिए, और फिर ए डी का मान कमेंट करना कितना आएगा। होमवर्क है आप लोगों के लिए, ईमानदारी से करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, ना करोगे तो फिर आप जानो आपका काम भगवान ही मालिक है आपका। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसी में एक सवाल और भी लिख लो तुरंत, इसी में एक सवाल और भी लिख लीजिए, लिखिए। ये सवाल शुरू होता है पी से और ख़त्म होता है यस पर। लिखिए, यदि पी क्यू इक्वल 3-5 अनुपात में है, पी क्यू के बाद आता है क्यू आर, क्यू आर इक्वल 1-3 और पी क्यू क्यू आर और आर एस, आर एस इक्वल है क्या 3-4, तो पी अनुपाते यस बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल ये निशान है, पी क्यू आर यस ये क्या होगा, जवाब दीजिए। पहले के लिए 4 ऑप्शन देखो, फर्स्ट के लिए 4 ऑप्शन है, 1:7, 3:20, तीसरा है 3:17 और चौथा है 20:3। दूसरा के लिए 4 ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 3-1-5-7, दूसरा है 3-5-15-28, तीसरा है 3-5-15-20। इसी में आपको बताना है, कौन कौन बता लेगा। सेम टू सेम वैसे ही सवाल है जैसे आपने अभी 2 देखा, अगर समझ गए तो चुटकियों में कर ले जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम पहले सवाल का आंसर पी एस का मान तो क्या होगा पता है। फर्स्ट का फर्स्ट में सभी में गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर लो 1 में और 1 का गुणा कर लो 3 में, और फिर इस 3 का गुणा कर लेना, इसमें कौन सा था, 3 ही पद तो था, बस हो गया। ये 3 × 1 = 3 और फिर 3 का इसमें हो जाएगा किसमें, यार ये 3-4 दिया था बाबू, 3-4 तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये कितना हो गया 9 और अंतिम पद का अंतिम पद में करोगे 5 का 3 में करोगे 5 × 3 = 15 और 4 में कर दोगे 15 × 4 = 60, ये 9:60 जो कि 3 से कट जाएगा, तो 3:20 आएगा, कितना आएगा 3:20।
देखो 3 20 है कोई, है ना ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब कोई क्वेश्चन है तो बता देना, कोई भी झंझट है तो बताना। इसी तरह का अगर आप इसमें ट्रिक लगाओगे सेकेंड वाले में इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साथियों बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए इसे अभी तुरंत लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, आगे भी देखते रहें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया PVR स्टडी के फेसबुक को लाइक करके फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। किसी भी चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे 4 चैनल हैं। साथियों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमारी प्राथमिकता है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है तुरंत बिना समय गंवाते हुए। यदि ए का भाग बी के 3/4 भाग के, बी का भाग सी के 1/12 भाग के तथा सी का भाग डी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी का मान बताइए। देखिए तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आपको लग रहा होगा ना सवाल अलग है, लेकिन साथियों तरीका एकदम समान होगा, तरीका में कोई अंतर ना होगा। सवाल का मतलब समझना, जो ए का भाग बी के 3/4 बोल रहा है ना, ए का भाग बी के 3/4, इसको शॉर्टकट में इतना ही समझ लो कि ए बी का अनुपात 3:4 है बस। ठीक, ए बी का अनुपात क्या है, 3:4 है, क्योंकि ए अपान बी इक्वल क्या है, 3/4 है, बस इतना जान लो, बाकी कुछ नहीं है। बी का भाग सी के 1/12 बोल रहा है ना, तो बी का भाग क्या है, सी के 1/12, 1/12 मतलब 1:12, बस इतना ही समझ लो, फिर सब आ जाएगा, पुरानी कहानी हो जाएगी। तथा सी का भाग डी के 4/5, सी का भाग डी के क्या है, 4/5 मतलब 4:5 के बराबर है, तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी का मान बताओ। कैसे बताओगे, बहुत ही आसान है, जैसे अभी आपने ट्रिक देखा था पीछे वैसे ही रख देना, बस आ गया। और हाँ इसमें एक सवाल और कर लेना, इसमें 5वां नंबर लिख लो, 5वां में हमें आप लोग ए और डी का मान बताओगे, कमेंट करके बताना, कोशिश करना, क्योंकि कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा। इन्हीं बातों के साथ आज की ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। 8 बजे से देखिएगा, आपकी 10th की मैथ होगी। और साथियों हो सकता है दिवाली के समय में अगर ये वीडियो आपको मिले तो एक आध दिन दिवाली के दिन आपकी क्लास बंद रहेगी, जिसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हज़ारों क्लास PVR स्टडी पर उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं ट्रिकी मैथ की क्लास रेगुलर चले, हर दिन चले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस क्लास को ज्वाइन करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, शेयर करिए खूब, तभी ज़्यादा ये क्लास हो सकती है। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। आपकी 0 लेवल मैथ को वरीयता मिलती है, क्योंकि उसकी क्लास के जो व्यूज हैं और उसके ज्वाइन करने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कम संख्या बढ़ रही है।